सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वेक्टर प्रोडक्ट हमने कर लिया था, उसमें हमारा क्रॉस प्रोडक्ट बाकी रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, राइट। सो व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए बार एंड वी हैव अनदर वेक्टर बी बार, इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू वेक्टर एंड इफ द रिजल्टेंट हमारे पास और एक वेक्टर आया, तो बाय डेफिनेशन ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एंड दैट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट। राइट हैंड स्क्रू रूल से देते हैं वो। सी द थिंग इज, इफ यू हैव दिस वेक्टर एज ए बार एंड इफ यू हैव अनदर वेक्टर over here which is b bar, तो इन दोनों का जो resultant होगा that will have direction which is perpendicular to both a bar and b bar, depends। आप a bar cross b bar कर रहे हो, मतलब अगर if I take this vector to be a bar and this to be b bar, तो ये होगा आपका a bar cross b bar। अगर आप b bar cross a bar कर रहे हो, रिजल्टेंट विल बी डाउनवर्ड्स ओवर हियर। सो दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज बी बार क्रॉस ए बार। व्हेन आई से एन कैप, आई मीन एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। कैसे? राइट हैंड स्क्रू रूल। इन इंडिया वी यूज राइट हैंड स्क्रू रूल। इफ आई टेक थंब एज ए बार, इंडेक्स फिंगर बी बार, तो मैं अगर ए बार क्रॉस बी बार कर रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग ए बार टूवर्ड्स बी बार, तो स्क्रू अंदर जाता है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन करते हो, तो दैट इज सेम थिंग। यहां पे भी वही किया है मैंने। लुक हियर, दिस इज थंब इज ए, मिडिल फिंगर इज बी एंड ए बार क्रॉस बी बार इज दिस पर्टिकुलर स्क्रू, तो वो ठीक है, डायरेक्शंस यू कैन मैनेज। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज प्रॉपर्टीज। वी कैन सी फ्रॉम हियर, बाय डेफिनेशन साइन थीटा है, बाय डेफिनेशन। तो अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हुए जीरो, ओके, चलो तो वी विल गो थ्रू प्रॉपर्टीज वन बाय वन। वी विल स्टार्ट विथ बेसिक प्रॉपर्टीज, जैसे पहला हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट के लिए, कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ये ए बार क्रॉस बी बार जो है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार, मैग्नीट्यूड सेम, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड सेम। सो नेगेटिव साइन इज बिकॉज डायग्राम में भी दिखाया मैंने, ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार बोथ आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। देन डिस्ट्रीब्यूटिव, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज नथिंग बट ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, राइट। देन we will just go through important properties here. Then what do we know here is self cross product zero. Self matlab ek vector ka khud ke sath product, ye zero aata hai by definition. Kyun? Kyunki theta zero hai to same vector hai, angle zero, then it is zero overall, right? This gives us very important result. Ye humko batata hai ki I bar cross I bar, j bar cross j bar and k bar cross k bar, this is all zero, right? ये zero आएगा। Then fourth important property is which comes from right hand screw rule, bar का भी बंद कर दो please, is that I bar cross j bar is equal to k bar या k cap, whatever it is, it's not important to mention whether it is cap or bar, फर्क नहीं पड़ता, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शंस हियर, ओके। तो आई कैप मतलब, इफ यू रिमेंबर, आई कैप था अलोंग एक्स एक्सिस, ये अगर मैं वाई ले रहा हूं, ये अगर मैं जेड ले रहा हूं, तो आई कैप और जे कैप, जे कैप अगर इसका मैं प्रोडक्ट लेता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, तो मुझे मिलता है के कैप। दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर, राइट। अब इसके बाद साइकिल घुमाओ, व्हाट डू आई मीन बाय साइकिल घुमाओ, दिस
थ्री कंपोनेंट्स आर साइक्लिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे भी देखा है मैंने पीपल गेट कंफ्यूज्ड, आई की जगह पे जे डालना है, जे की जगह पे के डालना है और के की जगह पे आई रिप्लेस करना है। इफ आई आई की जगह पे जे तो जे क्रॉस, जे की जगह पे के और के की जगह पे आई। वंस अगेन रिप्लेस के जे कैप बाय के कैप बाय आई कैप एंड आई कैप बाय जे कैप। तो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस आई इज जे। अगर उल्टा उल्टा कर दिया मतलब जे क्रॉस आई कर दिया तो नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका भी नेगेटिव हो जाएगा बाद में, वो के क्रॉस जे कर दिया तो ये आ जाएगा नेगेटिव। एंड देन ऑफ कोर्स सिमिलर इज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। देन इफ यू नो दिस मच, देन वॉट वी कैन डू नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए बार विच इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट लिटिल बिग, ए बार विच इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, एंड बी बार इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, तो आप ए बार क्रॉस बी बार को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो। डिटर्मिनेंट फॉर्म में सबसे पहले आपको करना क्या होता है, पहले रो में आप डायरेक्शंस स्पेसिफाई कर दो, फिर जो पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट लिखो सेकेंड रो में, ए एक्स ए वाई ए जेड एंड देन बी एक्स बी वाई बी जेड, राइट। दिस इज वन वे, दिस इज वन मोर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग, दैट इज अ शॉर्टकट वे, पता है ट्रिक है वो बेसिकली, इट्स नॉट शॉर्टकट। अभी क्योंकि क्या होता है, आई टेल यू, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते वक्त बहुत बार गड़बड़ होती है, बिकॉज पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इज व्हाट यू डू इन जनरल, तो गड़बड़ होता है। तो इफ यू डोंट वॉन्ट टू मेक मिस्टेक्स, ए बार क्रॉस बी बार ये एक वेक्टर है, दिस इज व्हाट वी नो। अल्टीमेटली इसमें एक्स कंपोनेंट आएगा प्लस इसमें वाई कंपोनेंट आएगा प्लस इस वेक्टर में एक जेड कंपोनेंट आएगा, करेक्ट। कौन से दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी, तो आई विल डू अ सिंपल थिंग, ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, वो जीरो नहीं है, इस इनकम्प्लीट, अभी कंप्लीट करना है। आई क्या पतला, मतलब कौन सा कंपोनेंट, एक्स, तो एक्स कंपोनेंट में अंदर एक्स नहीं आता है, सो इट विल बी लाइक वाई जेड जेड वाई, जे क्या मतलब वाई कंपोनेंट। तो यहां पे सिर्फ यू हैव टू बी श्योर, यहां पे एक्स जेड जेड एक्स, सिर्फ आपको खुद को वेरीफाई करना है, यू हैव टू वेरीफाई, क्योंकि जेड एक्स और एक्स जेड यहां पे कंफ्यूजन होता है, ओके, तो यू हैव टू वेरीफाई फॉर योरसेल्फ। के मतलब जेड कंपोनेंट, जेड छोड़ दो फिर, जेड छोड़ दो फिर क्या बचेगा, एक्स वाई वाई एक्स, दिस इज सिंपल। क्यों, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अभी हमको ए बार क्रॉस बी बार पूछा है, वो एक वेक्टर ही बनेगा ना, तो मैं पूरा क्यों सॉल्व करूं, मैं एक कोई भी एक, आई टेल यू व्हाट आई एम सेइंग, आई टेल यू इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शन ए मान लेते हैं 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप, ऐसा ऑप्शन है ए। बी ऑप्शन है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप, सी ऑप्शन है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप, और डी ऑप्शन है 2i कैप
प्लस सिक्स जे कैप प्लस सेवन के कैप, बहुत इजी फॉर अस पूरा करना, या फिर सिर्फ ये चीज देख लेना, दैट इज व्हाई दिस फॉर्म इज मच बेटर देन व्हाट यू डू नॉर्मली, तो टाइम बचता है। तो नीट जैसे एग्जाम में इट इज नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट टू हैव कॉन्सेप्ट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लुक एट द ऑप्शंस, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि आप देख के ही बोल सकते हैं ये आंसर नहीं हो सकता है। गुड, तो दिस पर्टिकुलर थिंग यू शुड रिमेम्बर एंड प्लीज चेक इट फॉर योर सेल्फ वंस, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आ ही जाएगा वैसे, चेक और आई विल से DIY, डू इट योर सेल्फ एट होम, ये आप डिटर्मिनेंट से ही आता है, बट जस्ट चेक इट फॉर योर सेल्फ। ओके गुड, देन so this is of no use to us, it's an example tha. Then vector product ka ek important property ye bhi hai that you can find out area of parallelogram, pata hai aapko hai na, agar hamare paas ye ek vector hai a bar, ye dusra vector hai b bar, aur ye dono parallelogram ke adjacent sides hai, तो मॉड ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार गिव्स यू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, करेक्ट, सो दिस इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। गुड, दैट्स इट, यहां तक हमारा वेक्टर्स खत्म हो गया, दिस वाज द ओनली थिंग दैट वाज रिमेनिंग। नाउ वी विल मूव अहेड टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, और आज थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि वी स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बेसिक मैथमेटिक्स, वी विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स, जितना जरूरी है उतना हमको करना पड़ेगा। वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज अ फंक्शन, तो फटाफट से जाएंगे हम लोग, व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, क्योंकि फंक्शन समझेगा तो डेरिवेटिव समझेगा, डेरिवेटिव समझेगा तो इंटीग्रेशन समझेगा, इट इज ऑल लिंक्ड, ग्राफ भी लगने वाले हैं हमको। व्हाट इज अ फंक्शन, व्हाट इज अ फंक्शन, अभी आप बाहर से आए राइट, थोड़ा सा गर्म था कंपेयर टू इनसाइड, गर्म था ना, बाहर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है, तो आई कैन आई से टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस और पोजीशन, राइट, तो इट मे डिपेंड ऑन एक्स एज सम कांस्टेंट इनटू एक्स और सम कांस्टेंट इनटू एक्स रेस टू वन और सम कांस्टेंट इनटू एक्स रेस टू माइनस वन, सो इन जनरल आई कैन से टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, दैट्स इट। जब मैं ऐसा लिखता हूं टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, नॉर्मली वी से वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, देन वी से वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जब ऐसा आप लिखते हो तो ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, क्यों, अभी मैंने बताया हमने पोजीशन चेंज की, टेम्परेचर चेंज हुआ एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ चेंज इन पोजीशन, हाँ तो फिर डिपेंडेंट कौन सा है, टेम्परेचर, राइट, क्योंकि वी हैव चेंज्ड एक्स बट वाई इज चेंजिंग, राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप डेरिवेटिव लोगे तब ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिपेंडेंट व्हाट इज इंडिपेंडेंट, ओके राइट। तो फंक्शन इज वेरी सिंपल, इट इज रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल पैरामीटर्स, because we're talking in physics, so that's why there's relation between two physical parameters, that's it। so kon kon se type ke functions dekhe humne, types of functions, kon kon se type ke function aapko normally pata hai, abhi maine ek bataya tha x raised to n, kya bolte hain is function ko, y is equal to x raised to n, what is this, पावर फंक्शन, राइट,
Then, have you seen y is equal to sin x or cos x or tan x? क्या हुआ ये? कौन सा फंक्शन है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. देन हैव यू सीन समथिंग लाइक y इज इक्वल टू a रेस टू x? देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेस में हो और कांस्टेंट पावर में हो, दैट इज पावर फंक्शन. जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पावर में हो और बेस में कांस्टेंट हो, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. देन सो आई एम नॉट गोइंग टू गो मच इनटू डिटेल्स, हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब. व्हाट इज दिस logarithmic function? Good. So why do we use logarithm or exponentials, by the way? Because it's related. Hai jab graphical questions aayenge 1D motion mein immediately iske baad, so you should know why do we use logarithmic or exponential function. Zarurat kya hai log ki? Easy to solve. Okay, what is the purpose of having logs? क्यों लेते हैं log? Basic समझेगा आपको. Basic क्यों important है समझेगा आपको धीरे धीरे. Okay, चलो कोई बात नहीं. Let me take a axis over here. Y axis, x axis. Okay, मान लेते हैं I am plotting something on x-axis and some quantity on y-axis. But ये ऐसा है, 0, फिर 10, फिर 100, and then 1000, and then 10,000, and then 100,000, and then. अच्छा लगता है कैसा लिखना? First thing is that. दूसरा, बड़े नंबर के साथ calculations करने में गलती ज्यादा होती है. तो व्हाट वी डू इज, हम लोग एक सिंपल सा चीज यूज करते हैं. व्हाट वी से इज, वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज लॉगरिथम. फिर हम लोग बोलते हैं लॉग 10 टू द बेस 10, इसको बोल देंगे 1. फिर लॉग ऑफ 100 विल बी लॉग ऑफ 10 स्क्वायर टू द बेस 10. फिर ये आएगा 2 लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, मतलब 2 आ जाएगा. राइट, ये 2 आ जाएगा. तो व्हाट डस दिस मीन, इसका मतलब जहां पे हमारे पास 10 था उसको मैं लिखूंगा 1, जहां पे 100 था उसको मैं लिखूंगा 2, जिसको जहां पे 1000 था आई विल राइट 3, 10,000 विल बी 4, एंड 100,000 विल बी 5, एंड सो ऑन. मतलब हमने बेसिकली क्या किया, स्केल को कंप्रेस किया. राइट, क्यों पता होना चाहिए आगे समझेगा, क्योंकि बहुत बार आपको ऐसा दिया होगा लॉग ऑफ एक्स, तो यू शुड पे अटेंशन कि वहां पे लॉग ऑफ एक्स एल मतलब कंप्रेस्ड स्केल है. राइट, तो सिमिलरली एक्सपोनेंशियल के भी ऐसा ही कुछ यूज है. वी विल नॉट टॉक अबाउट एक्सपोनेंशियल नाउ, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे. राइट, देन व्हाट इज अदर इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथमेटिक्स दैट यू विल नीड फॉर द पर्पस ऑफ नीट, एंड दैट इज बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री. लगने वाला है हमको ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ज्यादा लगने वाला है. आई एम नॉट गोइंग टू बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक एंड कोसेक, ये आपको पता है. आपको पता है ऐड शुगर टू कॉफी वाला फंडा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव एंड सो ऑन. राइट, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू इट. आई वांट टू नो, डू यू नो डायरेक्टेड एंगल्स? आपको पता है कि एंगल पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं, कब पॉजिटिव लेते हैं एंगल, कब नेगेटिव लेते हैं एंगल? नहीं, 11 का पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का. नहीं, माय, यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट आई एम आस्किंग. आई एम नॉट आस्किंग यू दैट ए, यस एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग. नॉर्मली क्या होता है कि हाउ डू वी डिफाइन एंगल्स? सपोज मेरे पास यहाँ पे एक
डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट था. सो वी हैड अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हियर. ओके, इसको मैंने रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज में, तो पॉजिटिव. क्लॉकवाइज में नेगेटिव. इसका मतलब एंगल कहां से मेजर कर रहे हो आप? कौन सा एक्सिस है ये? हाँ, एक्स एक्सिस. तो ये चीज हमेशा याद रखना, अनलेस इट इज सेड. अगर आपको बोला होगा एंगल इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो वाई एक्सिस से. अदरवाइज नॉर्मली एक्स एक्सिस से मेजर होता है, क्योंकि ऐसे जगह पे भी इफ यू डोंट नो बेसिक्स माइनस वन, प्लस फोर की जगह पे माइनस वन आ जाएगा. देन ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू गो इन टू अदर डिटेल्स ऑफ इट. वॉट मोस्ट ऑफ द बुक्स डोंट टॉक अबाउट, आई वॉन्ट फ्रॉम यू, वॉट इज द पीरियड ऑफ साइन वेव? What is period? Period मतलब हाँ, one oscillation. ठीक है, मतलब एक ही चीज को, एक चीज बार बार रिपीट हो रही है. फॉर एग्जाम्पल राइट, सो फॉर एग्जाम्पल अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, गोज टू पॉइंट बी, कम्स बैक टू पॉइंट ए, गोज टू पॉइंट बी अगेन. तो ये जो एक सेट है टू एंड फ्रो, इसको जितना टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड. अब साइन का टाइम पीरियड मतलब साइन की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल साइन की वैल्यू जीरो पे कितनी आती है? जीरो राइट. वापस जीरो कब आती है? 180. तो कैन आई से पाई इज पीरियड ऑफ साइन? नो. क्यों? कंप्लीट नहीं हुआ. कंप्लीट नहीं हुआ का मतलब क्या? इफ आई प्लॉट, क्या प्लॉट करें? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन? मिनिमम वैल्यू जीरो है कि माइनस वन है? ओके, मिनिमम वैल्यू क्या है पता होना चाहिए आपको. वन and minus one, let us say zero angle, then pi by two, then pi, then three pi by two, then again two pi. So sine wave looks something like this. पाए पीरियड नहीं हो सकता, क्योंकि यूसी यहां पे जीरो पे द वेव वॉज मूविंग अप, पाए पे द वेव इज मूविंग डाउन. सो आप बोलते हो दीज टू पॉइंट्स आर नॉट इन सेम फेज. आई विल कम इन टू डिट, वी टॉक अबाउट फेज व्हेन वी विल टॉक अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन. फिलहाल इतना जरूरी है. व्हाट इज द पीरियड ऑफ कॉस वेव? What is the period of cos wave? Same, 2 pi. What is the 2 pi? Q? 2 pi. ये हमारे पास x y axis है मान लो. Let's assume कि this point over here is plus 1, this point over here is minus 1, right? मैं साइन वेव प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंगल प्लॉट कर रहा हूँ थीटा, यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ साइन ऑफ थीटा. तो साइन वेव ऐसा दिखता है, करेक्ट राइट. जीरो पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू, एंड दिस इज टू पाई, करेक्ट. पीरियड का मतलब क्या है पहले ये बताओ. व्हाट इज पीरियड? कंप्लीट ऑसिलेशन राइट. हम लोग यहाँ पे एंगल की बात करें, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है आप कर सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जा रहा हूं मैं, क्योंकि यू स्पोक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो वी टॉक अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन नाउ. ये मेन पोजिशन, ये लेफ्ट एक्सट्रीम या राइट एक्सट्रीम. वॉट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हो आप? एम्पलीट्यूड. करेक्ट,
सीधा डजंट मैटर डिपेंड्स नहीं 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 दिस इज वेयर यू गेट कंफ्यूज्ड. देखो क्या है कि वाइब्रेशन तो एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, करेक्ट. हम लोग यहाँ पे, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट ही बता रहा हूँ. आई कैन सिंपली शो द मोशन लाइक दिस, ऐसा भी दिखा सकते हैं हम, डजंट मैटर. फिर मैं बोलूंगा ये एम्पलीट्यूड है. एम्पलीट्यूड का सिर्फ मतलब इतना होता है कि मीन पोजिशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम दैट इज एम्पलीट्यूड. पार्टिकल कैन वाइब्रेट लाइक दिस या फिर ऐसा. गुड, एज आई टोल्ड यू व्हाट इज पीरियड. अगर ओ से स्टार्ट करता है वो, बी तक गया, बी से ए पे आया और ए से वापस ओ पे आया, वन सेट कंप्लीट हो गया, करेक्ट. टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन सेट इन द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. साइन या कॉस, जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हो तो उस केस में आप कैसे डिफाइन करोगे टाइम पीरियड. द एंगल आफ्टर विच द वैल्यू ऑफ साइन रिपीट्स इटसेल्फ, क्यों. फॉर एग्जाम्पल, इसलिए वो साइन कॉस का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव एंगल की वैल्यू जीरो, ओके, देन आई हैव लेट अस से वैल्यू ऑफ एंगल एज पाई बाई फोर, मतलब 45 डिग्री. मैं 30 सब हटा दिया यहां से फिलहाल, पाई बाई टू, देन 135. हाउ मच इज 135 इन रेडियंस. What is 135 degrees in radians? That is what I am asking. How do you split 135 को 90 plus 45 लिख सकते हैं. 90 कितना होता है? Pi by 2. 45 कितना होता है? Pi by 4. What is pi by 2 plus pi by 4? 3 pi by 4. What is pi by 2 plus pi by 4? She is correct. कैसे करते हो? How do you calculate things? Pi by 2. What is by 2? Half. What is by 4? 0.25. Half plus 25 is 0.75 is 3 by 4. So you have to know this kind of basics. Then I will go to, let us say, pi. Right? ऐसा मैं करते जाऊंगा. अब क्या होगा कि अगर मैं साइन की वैल्यू लेता हूं, 0 is 0. This is 1 by root 2. This is 1. What is this value? What is this value? What is sine of 135? वो अभी आगे आएगा trigonometric identities, but I just wanted to tell you what is period. यही तो काम में आता है, add sugar to coffee. Sine of pi by 2 plus theta is what? Cos theta. Sine of 90 plus 45 is cos 45. What is cos 45? 1 by root 2 again. 1 by root 2. Okay. 0. So you look at the nature. 0, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ और फिर 0 हो गया. Correct? अब नेक्स्ट एंगल पे वैल्यू क्या आएगी, जो भी प्लस 45 कर दो और 180 प्लस 45 225, मतलब पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब 5 पाई बाय 4. तो 5 पाई बाय 4 पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 बाय रूट 2. फिर क्या आएगी, माइनस 1, करेक्ट. फिर क्या आएगी, माइनस 1 बाय रूट 2 और वापस से आएगा 1. So what you notice is value 0, 1 by root 2, 1, 1 by root 2, 0. ये 0 था, ये pi angle था, right? उसके बाद के angle पे minus हो गया ना value, minus, negative. तो मैं बोल नहीं सकता period is pi. क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि period, एक period के बाद वापस से ये table repeat होना चाहिए आपका. Repeat हो रहा है क्या? है ना? 0, 1 by root 2, 1, 1 by root 2, 0, वापस 1 by root 2 होना चाहिए. तो पीरियड मतलब उस पर्टिकुलर एंगल के, बट जानो छोड़ो, ये भी बहुत डिफिकल्ट है, मैं और सिंपल कर देता हूँ. इट इज अगेन डिफिकल्ट फॉर यू, सो आई विल जस्ट गो इनटू व्हाट आई वांटेड टू डिले. बट एनीवेज, डू यू नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी
ट्राइंगल के लिए डिफाइन ही नहीं हुए थे, दे आर डिफाइंड फॉर अ सर्कल। खत्म, फिर ये पता है तो डन। मुझे बताओ अब, ओके लेट अस से मेरे पास ये ए पॉइंट है, यहाँ पे है मेरा ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट थीटा, साइन थीटा कुछ वैल्यू होगी, सम वैल्यू लेट अस से एक्स। ओके यहां ध्यान दो, लुक हियर, वापस से साइन थीटा की सेम वैल्यू कब होगी, जब मैं एक राउंड पूरा करके वापस उस पॉइंट पे पहुंचूंगा। एक राउंड मतलब कितना एंगल, 360 मतलब, तो पीरियड क्या हुआ, 2π। सो बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुड बी सेम अगेन एट द सेम पॉइंट। तो आप बोलोगे फिर यहां पे भी तो वैल्यू सेम हो सकती है ना, पर पॉइंट अलग अलग होगी ना, करेक्ट। तो 2π होता है बेसिकली, गुड, वो आगे आएगा ही वैसे, बट सिंस वी हैव टाइम लिमिटेशंस आई वुड वॉन्ट टू नो, डू यू नो वॉट आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ज्यादा नहीं है, बहुत सुन लिख 19 देखे रखे, 19 फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा सिर्फ स्क्वायर के ही बहुत सारे आइडेंटिटीज है, बताओ इजी। देखो ये एक चीज पता है, अगर मैं साइन स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, राइट, 1 प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये कॉट स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर यहां पे डिवाइड हो जाएगा, व्हाट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, तो बन गया दूसरा आइडेंटिटी। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सिर्फ पहले साइन स्क्वायर कॉमन निकाला था, अभी कॉस स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, बन गए 3 आइडेंटिटीज। देन अभी हाफ एंगल फॉर्मूला वगैरह वगैरह दिया है उन्होंने, चलो ठीक है अभी देख लेंगे, व्हाट इज साइन 2 थीटा, व्हाट इज साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। क्यों कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर आपने 11 का मैथमेटिक्स किया है तो एक्चुअली ये हाफ एंगल फॉर्मूला बोल के डिफाइन होता है, फिर यहाँ पे हमने 2 थीटा लिख दिया तो ये डबल एंगल दिखता है हमको, इसलिए कंफ्यूजन होता है, सिंपल। देन व्हाट इज कॉस 2 थीटा, व्हाट इज कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डोंट ट्रस्ट मी, वेरीफाई। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डालता हूं तो 2 × 45 90, कॉस 90 0, लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए, आएगा कॉस ऑफ 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2, साइन ऑफ 45 1/√2 उसका स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2, तो हो गया। अब क्या करते हैं फिर, ये आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे कर देते हैं, ऊपर से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ से, है ना, तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ओके सिमिलरली ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी आ सकता है, जस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 cos square theta minus 1, करेक्ट। ओके हमको इस फॉर्म में नहीं लगता, हमको
what we do is cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1. हम लोग बोलते हैं cos 2 theta plus 1 by 2 is equal to cos square theta. We use it in this particular form normally. एक ही चीज है. Then, इसके बाद तो बहुत easy है. इसके बाद 6th, 7th, 8th, 9th, this is joke. Sin of A plus B, sin of A minus B, cos of A plus B, cos of A minus B. Easy है. Sin A plus B आया ना, sin A cos B, sin A cos B, cos A sin B plus. Sin में बीच में plus तो इधर plus. यहाँ पे भी sin A cos B, बीच में minus तो यहाँ पे minus cos A sin B. यहाँ पे cos cos. How do you remember? Sin of A plus B ना, sin sin cos. और अगर cos of A plus B आए तो cos cos cos. This is how you remember. Cos A cos B plus की जगह पे minus sin A sin B. And similarly, this is cos A cos B plus sin A sin B. Right. तो इतना आपको basically पता होना चाहिए. There's a lot of things more to know. Then, उसके बाद you must have learned something called as sin C plus D. Yes, sin C plus sin D. ये भी easy है. Sin C plus sin D. उसके बाद sin C minus sin D, cos C plus cos D, cos C minus cos D. क्या आएगा sin C plus sin D? क्या आएगा 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. sin C minus sin D. सिर्फ यहां पे जो cos है वहां पे sin करो, जहां पे sin है वहां पे cos करो, हो गया. तो 2 cos of C plus D by 2 into sin of C minus D by 2. cos C plus cos D. 2 cos of what? कहां से आता है ये, पता है आपको ये आया कहां से? नहीं, चलो अगर वो पता होता तो फिर there is no problem. What is sin of C plus D? Sin C, sin D, sin D, cos. Sin C, cos D, plus, sin of A plus B, sin A cos B plus cos A sin B. Cos, sin. Correct? What was sin of C minus D? Sin C, cos D, minus cos C, sin D. मुझे क्या चाहिए? Sin C plus sin D. Okay? Sin C plus sin D चाहिए. Plus चाहिए ना, बीच में plus. तो इन दोनों को add कर दो. इन दोनों को add करोगे तो ये cancel out हो जाएगा. तो क्या मिलेगा हमको? 2 times of sin C cos D, मतलब ये दोनों का addition बोल रहा हूँ, equal to sin of C plus D plus sin of C minus D. Right? एक मिनट देखता हूँ मैं. You notice something? सिर्फ C plus D by 2, मतलब हमारे यहाँ पे basically problem कहाँ आ रहा है ना, because we are using the same notation. Okay, if I change now notation, so you immediately notice karoge ki what I am saying. Do you notice something? A is C plus D by 2 and B is C minus D by 2. So, define it as a let
अभी भी नहीं समझा? तो फिर समझा क्या? गुड। तो बेसिकली क्या होता है कि दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू, इफ यू नोटिस थिंग्स प्रॉपरली, इफ योर ऑब्जर्वेशंस आर गुड इनफ, व्हाट यू विल सी इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ओनली दिस वन एंड दिस पर्टिकुलर मैटर्स। आपको साइन ऑफ ए प्लस बी याद है तो आपको साइन ऑफ ए माइनस बी याद है, तो आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी याद है, आपको कॉस ऑफ ए माइनस बी भी याद है। अगर आपको वो सब याद है तो करना क्या है, आपने एक बार इसको ऐड किया इन दोनों को, आपने एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आपने एक बार इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो उससे आपको मिल जाता है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। होगा राइट? ओके। तो देन लास्ट थिंग, लास्ट टू, व्हाट इज टेन ऑफ ए प्लस बी, व्हाट इज दिस आइडेंटिटी, और नो, व्हाट इज टेन ऑफ ए माइनस बी, दिस इज टेन ए टेन बी अपॉन वन। यस, यहां पे प्लस तो यहां पे माइनस, और सिमिलरली अगर ऊपर माइनस है मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस है तो राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में प्लस है, करेक्ट? ओके। ये भी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगेन वही चीज, ये साइन ऑफ ए प्लस बी से ही आता है। कैसे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए प्लस बी को कॉस ऑफ ए प्लस बी से डिवाइड कर दो और यहां पे भी डिवाइड कर दो, सिंप्लीफाई करो, बन गया। मतलब ओवरऑल ओवरऑल अगर आपको मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग चाहिए तो व्हाट यू मस्ट रिमेम्बर इज अगेन जस्ट दिस थ्री आइडेंटिटीज। तीन से हमने अराउंड, मैंने तो कुछ लिखे नहीं है यहाँ पे, बट अराउंड 20 आइडेंटिटीज बन जाती है, राइट? तो इजी है, यू जस्ट हैव टू टेक दिस एंड डिवाइड, बन गया 10। ओके, 10 ऑफ ए प्लस बी। 10 ऑफ ए माइनस बी के लिए साइन ए माइनस बी कॉस माइनस बी को डिवाइड कर दो। इन केस इफ यू डोंट रिमेम्बर, अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो, याद है तो ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ यू डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर कोर मेमोरी। देन लॉगरिथम के मैं कुछ बेसिक फंक्शंस बताऊंगा एंड देन वी विल मूव अहेड अहेड विद अदर थिंग्स बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। अगेन बेसिक लॉग ऑफ वन टू एनी बेस ई हो, नेचुरल लॉगरिथम मतलब लॉग टू द बेस इज नेचुरल लॉग, टू द बेस 10 हो जो भी हो इट इज ऑलवेज 0। दूसरा लॉग ऑफ अ नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1। देन डू यू नो समथिंग एक्सपोनेंशियल रूल और समथिंग? यू भी नहीं। लॉगरिथम में लॉग ऑफ सम नंबर, लेट अस से बेस ए है, सम नंबर है एक्स रेस टू एन, एन टाइम्स ऑफ, ये तो बाकी इजी है, व्हाट इज लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी टू द सेम बेस, ए इनटू बी। ओके, ए इनटू बी टू द सेम बेस होना चाहिए। देन डू यू नो व्हाट इज लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ए बाय बी। डू यू नो हाउ टू चेंज बेस, हाउ डू यू चेंज बेस इन लॉग? मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, मुझे टू द बेस ई लिखना है, तो क्या करते हैं, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी टू द सेम बेस। इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इरेलीवेंट है, मैं नोट्स दूंगा उसमें भी इरेलीवेंट है वो। ओके, बाकी इट्स फॉर जे डबल, यू डोंट नीड इट। गुड, देन
Then we are moving to one of the most important thing जिसके बिना physics हो ही नहीं सकता, differentiation. What do you mean by differentiation? What is the meaning of a derivative? Function of x. Slope of x with respect to y. Okay. So what you are trying to say is, this is y, this is x. Slope of x with respect to y. Dx by dy. I want to know what is the meaning of derivative. मुझे उसका फिजिकल मीनिंग चाहिए, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आई वांट टू नो व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. नहीं नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग इज डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग. फिजिकल मीनिंग, लेट अस से आई एम प्लॉटिंग वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम या फिर डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम, व्हाटएवर यू आर comfortable with. I have a graph something like this, any function. So v is a function of t. मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, this is the graph of your velocity of your vehicle with respect to time. Good. Derivative का मतलब ये होता है normally. For example, time t is equal to 2 seconds से लेके तो time t is equal to 10 second का यह graph है. मुझे ये पता करना है what is the instantaneous velocity exactly when the time was 4 second. Delta v by delta t, that is average. एग्जाम्पल, आप यहां से साकरी गए फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर, यू टुक 1 hour, व्हाट वॉज योर स्पीड और वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड 50/60 इफ इट इज इन पर मिनट, बट अगर पर आ रहे तो 50/1 50 किलोमीटर पर आर, ये एवरेज हुआ. उसमें कहीं पे चाय पीने रुके होंगे, स्पीड ब्रेकर आया होगा, सामने गाड़ी आई होगी, कभी एक्सीलरेट किया होगा, कभी डीएक्सीलरेट किया होगा. आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? लेट अस से आप यहाँ से 9 बजे निकले, वहां पे 10 बजे पहुंचे फॉर एग्जाम्पल. एक्चुअली तो 9:50 को पहुंचोगे आप, बट जस्ट टू टेल यू, इफ आई आस्क यू व्हाट वॉज योर स्पीड exactly at 9:25, and this is that graph. ये 9 से लेके 10 बजे तक का graph है. मुझे पता करना है what was your speed at 9:25. पूरा का पूरा curve consider करके चलेगा क्या? फिर differentiation मतलब क्या? Breaking into parts. आप क्या कर रहे हो? हम बोलेंगे कि चलो at least मुझे 9:24 पे और 9:26 पे मुझे पता है कि व्हाट वाज माय स्पीड. इसको हम लोग बोल देते हैं डेल्टा टी, राइट? टाइम इंटरवल है ये, राइट? और ये वेलोसिटी जो भी होगा ड्यूरिंग दैट पार्ट, तो आप बोलते हो कि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, this is in general average between 9:24 and 9:26. हमें कब चाहिए? 9:25 पे. तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो टाइम इंटरवल है ना, इस टाइम इंटरवल को मैं जीरो करते जाता हूं. तो हम लोग बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो इन दिस केस, एंड दैट इज नथिंग बट डीवी बाय डीटी. This is nothing but instantaneous, मतलब उस particular instant of time पे. मतलब derivative में क्या किया? एक function के टुकड़े किए हमने,
Why? Because we wanted to know what is the speed or the value of one parameter with respect to other exactly at that point of time. जैसे घर के बाहर से यहां तक का डिस्टेंस है, लेट अस से 10 मीटर. इस दरवाजे पे एग्जैक्टली 2 मीटर है, राइट? क्या चेंज हुआ? टेम्परेचर. व्हेन यू आर कमिंग इनसाइड, टेम्परेचर वाज चेंजिंग. मैंने बोला व्हाट वाज द टेम्परेचर व्हेन यू वर एट x इक्वल टू 2 मीटर. तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर अगेंस्ट डिस्टेंस प्लॉट करोगे. फिर आपको पता है कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर की वैल्यू पता होगी, यहाँ पे पता होगा, ये डिस्टेंस आपको पता होगा, फॉर एग्जाम्पल 2.1 एंड 1.99 समथिंग. फिर एग्जैक्टली मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए तो आई विल राइट लिमिट डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दैट इज डी टी बाय डी एक्स. दिस इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड डेरिवेटिव. ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, फिर उसके लिए मुझे लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी के बारे में बात करना पड़ेगा. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज़ इट्स नॉट रिक्वायर्ड. सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी नहीं पता होता तो फॉर्मूला से काम हो जाएगा हमारा. बाय द वे, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं हम लोग. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर डिस्टेंस रहा, जैसे डी टी बाई डी एक्स, एक्स इज इंडिपेंडेंट, राइट? तो डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट. तो आपने सुना होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में भी सुना होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, तो डेरिवेटिव्स तो डेरिवेटिव है. यू कैन हैव dy by dx, यू कैन हैव dv by dt, यू कैन हैव dv by dx, यू कैन हैव dt by dx, यू कैन हैव dx by dt. जब भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे ग्रेडियंट. तो ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट, राइट? गुड, दैट्स इट. इतना आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन. नाउ इंपॉर्टेंट इज टू नो फॉर्मूला. जो आपके बुक्स में हाफ ट्रूथ लिखा होता है, दैट इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दैट इज नॉट व्हाट आई वांट. हाफ ट्रूथ मतलब क्या बताता हूँ मैं आपको. ये जो कुछ फॉर्मूला लिख के रखे हैं इन लोगों ने, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और आधा भी देके नहीं रखा है. एनीवेज, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन? एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन. हाफ ट्रूथ. यहाँ पे dx by dx होता है जो 1 हो जाता है, इसलिए लिखते नहीं है. Why I'm telling you this? क्योंकि हमेशा ऐसा आएगा क्या, x raise to n का derivative निकालो. You may be asked, find out derivative of 4x raise to 4. या फिर you may be asked, find out derivative of x square plus 2x raise to 3. तो in general, अगर मुझे इन जनरल लिखना है, मैं लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट हैव मैथमेटिक्स? एक तो आपका था, आपका भी था. Good. So you must be knowing this. Good. Then, तो ऐसे बहुत सारे formulas हैं. For example, do you know what is the derivative of e raised to f of x? E raised to f of x into derivative of f of x. Example, e raised to 4x. मतलब e raised to 4x into derivative of 4x, that is just 4. So 4 times of e raised to 4x. Good. Do you know what is the derivative of log of x? Log of f of x, if I say 1 by f of x into derivative of f of x. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जब लगेगा तब हम लोग देखेंगे.
ओके एज एंड व्हेन नीडेड वी विल डू इट. फिलहाल व्हाट इज इम्पोर्टेंट दैट यू नो व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स? Cos of f of x into derivative of f of x. जैसे sin of 3x, that is cos of 3x into 3x derivative 3 cos 3x. Then what is derivative of cos of f of x? Minus sin of f of x. अभी मैं डी डी एक्स लिख के मैं एफ डैश लिख देता हूँ. दैट इज बेसिकली डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. करेक्ट. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टैन ऑफ एफ ऑफ एक्स? सेक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर. सी कैन आई राइट डाउन, can I write down tan as sine upon cos? कर सकते हैं ना. Do you know what is the formula of derivative of u by v? Do you remember what was the formula for u into v? U as it is derivative of v, plus v as it is derivative of u. Do you remember this? Multiplication is nothing but division, na? तो कैसे करोगे? Same ही है ना. Derivative of u into 1 by v क्या आएगा? हाँ तो इसको u derivative of 1 by v plus 1 by v derivative of u क्या आएगा? फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ यू बाय वी. अगर वो पता है तो फिर टैन का डेरिवेटिव रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को. सॉरी फॉर हार्श वर्ड्स बट दैट इज ट्रू. इफ यू रिमेंबर व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ यू बाय वी. मतलब बेसिकली याद कैसे रखते हैं इसको? सिर्फ एक दो रूल जरूरी होते हैं. डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. दिस इज हाउ यू रिमेम्बर. ओके ये रूल पता है तो तुम्हारा साइन अपॉन कॉस को भी अप्लाई कर दो. कैसे? फिलहाल मैं f of x नहीं लिख रहा हूँ for the time being because it will become lengthy otherwise. मैं सिर्फ sin x upon cos x कर देता हूँ tan को. f of x बाद में generalize कर देंगे. रूल क्या था? डिनोमिनेटर को as it is रखो, sin का डेरिवेटिव मतलब cos, करेक्ट, माइनस न्यूमरेटर को as it is डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर cos का डेरिवेटिव माइनस sin माइनस माइनस प्लस अपॉन किसका डेरिवेटिव? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव. कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन, वन अपॉन कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, राइट. तो टैन का डेरिवेटिव क्या आएगा? सो व्हाट यू विल हैव एज सेक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x. Okay, then can you tell me this now? Done. Can you tell me what will be the derivative of sec of f of x? Sec x into tan x. पक्का? नेगेटिव साइन? नहीं. सेक
ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू टेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरेवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लास्ट इन द लिस्ट क्योंकि ऑल अदर्स विल बी टेकन केयर ऑफ वाइल डूइंग प्रॉब्लम्स cosec of f of x cot of f of x f dash या कैसे रखते हैं साइन का cos, cos का माइनस साइन जब जब पहले सी आया तब तब नेगेटिव लिखना पड़ता है देखो है ना cos माइनस साइन cot माइनस cosec स्क्वायर cosec माइनस cosec cot करेक्ट गुड Because we are talking about this, we should immediately talk about integration. Cube because derivative and integration is exactly opposite. Derivative में क्या किया था हमने? Break किया था क्यों? क्योंकि मुझे एक particular point पे value चाहिए थी. Integration का क्या मतलब होता है? Addition. क्योंकि हमको overall देखना है. Right? For example, this is velocity time again. Okay. ये time है. There, here I have velocity. I have a vehicle which is moving. Something like this. Velocity against time. What is the distance traveled by the vehicle in, let us say, first 2 seconds? How do you find out distance traveled from the graph of velocity and time? वो आप एक्सेशन बता रहे हो. Area under the curve. क्यों? देखो, अगर यहाँ पे distance होता और time होता तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है वो मोशन मंडी नेक्स्ट वीक में हो जाएगा वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सीडेंट देता है बट वी आल्सो हैव वन क्वांटिटी व्हिच इज वेलोसिटी इनटू टाइम व्हाट इज दैट डिस्टेंस मैं एक्स इनटू टी लिख सकता हूँ क्या डिस्टेंस इनटू टाइम कर सकते हैं क्या हम लोग क्या क्या मिलेगा डिस्टेंस इनटू टाइम Nothing. We don't have any quantity which is meter second. ये भी एक confusion होता है. The students are like, velocity into time is distance, मतलब area under the curve. तो distance और time के graph में area under the curve क्या मिलेगा? Nothing. There's no physical quantity which is defined in that way. तो नहीं मिलेगा कुछ. Good. तो easy है. अगर मैंने आपको बोला कि what is distance traveled in first 2 seconds? Area of triangle. Half base into height मतलब 10 ही आएगा डायरेक्टली यहाँ पे इन दिस केस गुड वेलोसिटी टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस केस बिटवीन टाइम लेट अस से 2 सेकेंड एंड लेट अस से 10 सेकेंड नहीं पता क्यों नहीं पता अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो निकाल सकते हो राइट इट इज बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन बेसिकली राइट मतलब फंक्शन ऑफ टाइम इन दिस केस क्योंकि इट इज नॉट वेल डिफाइंड फिर क्या करेंगे तो मैं अभी फिलहाल तो Temporarily, what I am going to do is I am going to write this as y and this as x. So, problem kya hota hai yahan pe that because of this irregular shape, hum log nahi find kar sakte what is the total value of this area. Fir kya karte hain? Hum bolte hain let us split up ye jo graph hai iske chote chote pieces mein divide karo. Pehle divide karo. Kyun? क्योंकि छोटा पीस इट बिकम्स रेक्टेंगल हाँ तो रेक्टेंगल का तो एरिया निकाल सकते हैं ना तो ऐसे बहुत सारे पीसेस कर देते हैं हम लोग वी टेक एन नंबर ऑफ पीसेस और सबका
एडिशन, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन. मतलब इंटीग्रेट में, इंटीग्रेशन में ऐड कर रहे हैं और डेरिवेटिव में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए तो डिफरेंशिएटिंग बोलते हैं उसको. गुड. सो दिस टेक्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या था, राइट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स था मैंने लिखा. What I can do is, can I write this as, यहाँ पे n plus 1 कर देता हूँ, चलेगा क्या ऐसा, acceptable, है ना? क्यों? क्योंकि derivative of x raised to n, अगर n into x raised to n minus 1 है, तो मैंने सिर्फ n की जगह पे n plus 1 कर दिया, तो यहाँ पे भी n plus 1, ऊपर भी n plus 1 और एक minus extra था ही, हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम लोग, इसका मतलब कैन आई डू दिस, एन प्लस वन एक्स रेस टू एन डीएक्स, सिर्फ डीएक्स को वहां शिफ्ट कर दिया, अलाउड है, राइट, करेक्ट. अब इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, डी हटा दो और इंटीग्रेशन का साइन डाल दो, करेक्ट. सो व्हाट आई शुड बी डूइंग इज दिस, सबसे पहले आई शुड राइट दिस एज एक्स रेस टू एन प्लस वन, एन प्लस वन एक्स रेस टू एन डी एक्स बाई डी, है ना? तो ये जो बाई डी है इसको मैं लिखता हूं वन बाई डी, करेक्ट. समझ आया तक, क्लियर, गुड. मैंने क्या बताया, वन अपॉन, मतलब इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या है, डेरिवेटिव. तो मैं वन बाय डी की जगह पे क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन, करेक्ट. तो इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन डी एक्स क्या आ गया फिर, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन, तो एग्जैक्टली उल्टा है, राइट, गुड. बट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन अगर आता है dx, तो ये आएगा आपका एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, हा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स. कहाँ लिखोगे, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग इज, अभी आपने मुझे बताया एक्स रेस टू एन प्लस वन का या फिर एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन, अभी आपने बताया मुझे एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, मैंने वही सिर्फ एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखा है. पर अगर मेरे पास एक्स के यहाँ पे टू एक्स रेस टू एन होता तो टू एक्स रेस टू एन प्लस वन, करेक्ट, इंटू, हम लोगों को डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा ना इसका f of x का, वो न्यूमरेटर में आएगा कि डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में नहीं, वो हम लोग देखेंगे बाद में डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल पे. माय क्वेश्चन इज, यहाँ पे दिया है क्या, दे डोंट गिव एनीथिंग, दिस इज यूजलेस, मेरा ही नोट्स है, लेकिन जो कंपनी देता है वो They should be telling you this. कहाँ पे, मैं वापस बता रहा हूं, आई एम सॉरी आई एम टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, बट ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन को आपने ऐसा लिखा था या नहीं? Yes. मतलब अगर एफ ऑफ एक्स रेस टू एन है तो हम लोगों को फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्लियर. तो इंटीग्रेट करते वक्त क्यों नहीं लेना पड़ेगा फिर, इंटीग्रेट जब करूंगा मैं तो यहां तक तो मैंने रूल बता दिया आपको, ये आएगा एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये तो बता दिया मैंने आपको,
एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था ना, वो कहाँ गया, ये कहाँ गया, फिर कहाँ जाएगा ये? नो, तो कैंसिल तो हो ही गया ना, अपोजिट है. माय क्वेश्चन इज, चलो ओके, जस्ट अ मिनट. आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड बाय दिस. व्हाट इज दिस इंटीग्रल? व्हाट इज दिस इंटीग्रल? सॉल्व किया है कभी ऐसा इंटीग्रल? व्हाट इज दिस इंटीग्रल? टू एक्स प्लस वन रेस टू थ्री अपॉन थ्री, दैट्स इट. नहीं चेंज रू चेन रूल यहाँ पे होता ही नहीं है, वो डेरिवेटिव में होता है. That's it. इतने ही आएगा. 2x plus 1 raised to 3 upon 3. Nothing else. Okay, चलो ठीक है. Okay, doesn't matter. Plus, ठीक है. What I'll do is, ये मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बता देता हूँ. But for the time being, आपको ये पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए. मैं वो लिख देता हूँ. आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल्स. तो पहला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इज एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. दूसरा, डेरिवेटिव से उठाएंगे हम लोग, ई रेस टू, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स इज वॉट, ई रेस टू एक्स इटसेल्फ. और अगर हमने लिमिट्स नहीं लगाई तो डेफिनेटली देर इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. यस. देन थर्ड रूल, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स? माइनस कॉस एक्स प्लस सी, राइट? ओके. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स? साइन एक्स प्लस सी. ओके, तो ये कुछ बेसिक से रूल्स है, जैसे लॉग ऑफ एक्स है, ये है, वो हम देखेंगे व्हेनेवर रिक्वायर्ड. फॉर द टाइमिंग दिस इज सफिशियंट फॉर अस टू नो. ओके, जस्ट अ मिनट. इसमें से एक या दो एग्जांपल विल गो इनटू वन डी मोशन, दैट विल सी लेटर. Okay, now you can start noting down things. अभी तक हमको जरूरत नहीं थी, but from here onwards you will need. तो अभी तक हमने जो भी basic mathematics किया है उसके questions, all neat questions only. Okay, तो पहला question. A particle moves so that its position vector is given by r bar is equal to cos of omega t. Nahi dikhta hoga to please let me know. We'll zoom it better. Okay, so ek particle hai jiska position vector hai cos of omega t x cap plus sin of omega t y cap. Which of the following is true? Velocity and acceleration both are perpendicular to r bar. First, velocity and acceleration both are parallel to r bar. Velocity is perpendicular to r bar and acceleration is directed towards the origin. Velocity is perpendicular to r bar and acceleration is directed away from the origin. How do you solve this question? Wait. ये पोजिशन वेक्टर है, हमको क्या पूछा है? एंड हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी इफ यू हैव पोजिशन वेक्टर?
differentiation. We know what is velocity, that is derivative of position vector. Correct. Derivative of r bar. Cos of omega t x cap plus sine of omega t y cap. V bar is equal to, what is derivative of cos? Minus sine f of t, minus sine f of t into derivative of f of t. Abhi yaad hai kyun bataya maine formula? What is derivative of omega t with respect to t? Omega constant, derivative ke outside dt by dt 1. Matlab in general what you have this as minus omega sine omega t x cap or sine ka aega plus omega cos omega t y cap. Since main yahan pe rule likh deta hu, since derivative of cos of omega t is minus sine of omega t into derivative of omega t again. So yahan pe minus omega sine omega t or dt by dt 1 hota hai, isliye likhte nahi hai. Good. So right. So you have velocity vector. Clear? Good. When are two vectors perpendicular? 90 degree. Matlab two vectors perpendicular hai. Ye kaisa pata karoge? Cross ya dot? Dot. So agar v bar dot r bar zero aa gaya, to velocity and position vector are perpendicular. Good. To check karo. Karo check. Now it is your time to do things. Step by step. Agar aapke paas derivative of cos of f of x aisa hai, to maine aapko rule bataya, minus sine of f of x, okay, into derivative of f of x. Hamare paas yahan pe हमको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमारे पास आर बार है, पोजीशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमको देता है वेलोसिटी. तो मतलब मुझे आर बार का डेरिवेटिव लेना है, मतलब मुझे कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप का डेरिवेटिव लेना है. मतलब आई कैन से दिस इज कॉस ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ओमेगा टी, ओमेगा एक्स नहीं है ना, ओमेगा टी है, तो फंक्शन ऑफ टाइम है. तो ये डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन. क्लियर? यहां तक क्लियर? गुड. तो अगर यहां तक क्लियर है आपका, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं ओमेगा टी. This is one single term. You cannot take out omega and keep it here. Wo single, ek single value hai. Right. Then by rule, aapka ye jo hai, ye bhi yahan se gaya aur yahan pe aaya omega t. Then ye jo f of t hai, yahan se ye f of t ko bhi hatao. Remove it. Derivative of ओमेगा टी. बाय रूल ऑफ डेरिवेटिव, अगर मेरे पास एक कांस्टेंट है इनटू एक्स है यहां पे, तो मैं कांस्टेंट को पहले बाहर रखूंगा, फिर मैं एक्स का डेरिवेटिव लूंगा. यहां पे कंफ्यूजन कहां होता है, कंफ्यूजन यहां होता है कि जब सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो, दैट इज ऑलवेज जीरो. क्यों? एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल. There is one physical quantity जो यहां पे भी सेम है, उस पॉइंट पे भी सेम है, और आप जहां बैठे हो वहां पे भी सेम है. एग्जाम्पल, जी की वैल्यू. तो कहना इससे
dg by dx is not equal to zero. What is the meaning of dg by dx? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि how acceleration due to gravity is changing with distance. Is it changing at all? Change हो रहा है क्या? हाँ तो फिर मैं constant का derivative क्या लिखूंगा? हाँ good. तो पहला confusion ये clear कर लो. लेकिन constant के साथ अगर variable है तो फिर आप क्या करते हो, आप बोलते हो पहला पैरामीटर एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव. अरे पर ये तो जीरो था इसलिए बाय रूल व्हाट वी राइट इज दिस. एक ही टर्म लिखते हैं हम लोग. हम बोलते हैं कांस्टेंट को डायरेक्टली बाहर निकाल दो. वी हैव अप्लाइड यू इन टू वी लेकिन दूसरा जीरो ही आ रहा है. गुड राइट. तो दिस इज अगेन ऑफ No use to us now. हटा देते हैं यहां से. तो ये जो टर्म है ओमेगा इस एंगुलर वेलोसिटी और उन्होंने बोला है कि ये कॉन्स्टेंट है. तो कैन आई टेक आउट ओमेगा नाउ? यस बाय रूल. तो क्या आएगा? माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा आउटसाइड डी टी बाय डी टी वन हो गया. तो वाई शुड आई बी राइटिंग इफ इट इज वन? तो आ गया क्या माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी और एक्स कैप तो था ही डायरेक्शन के लिए. गुड. तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि आप लोगों को ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. इफ यू डोंट नो दिस फिर मुश्किल है, सॉल्व नहीं कर पाओगे. विद टाइम हो जाएगा, डोंट वरी, हमारा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा ये. तो नाउ ऑनवर्ड्स टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी. फटाफट क्विक, व्हाट इज डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ थ्री ओमेगा टी? फर्स्ट माइनस थ्री ओमेगा साइन ओमेगा टी. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ थ्री ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू? पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है हाँ, तो सेम आता है. माइनस थ्री ओमेगा साइन ओमेगा टी ही आता है, सिर्फ यहाँ पे प्लस पाई बाई टू एंगल एक्स्ट्रा रहेगा. डेरिवेटिव का कंट्रीब्यूशन पाई बाई टू का जीरो है, लेकिन आर्ग्यूमेंट, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं बाय द वे, एंगल को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं या फिर फेस बोलते हैं. तो फेस जो है वो लिखोगे यहाँ पे आप पूरा एंगल में. गुड. तो ये आपको पता होना चाहिए. अब ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है कैसे? ऑप्शन नंबर सी है इसका, पढ़ते टाइम समझ में आ जाना चाहिए था आपको कैसे. फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू वर रीडिंग द क्वेश्चन एंड इफ यू नो आपका मैथमेटिक्स अगर स्ट्रांग है तो इन दैट केस, अगर मैथ स्ट्रांग होगा तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग हियर. यहां पे हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, b बार इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेना पता है ना, dr बार बाय dt है ना, तो dr बार बाय dt है. आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग. मुझे पता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t x कैप है, ये प्लस ओमेगा cos ओमेगा t y कैप है. मुझे ये भी पता है कि जब मैं v बार डॉट r बार या r बार डॉट v बार करता हूं तो ये आता है vx rx plus vy ry, और ओरली ही होना चाहिए था ये सब. vx x कंपोनेंट ये है, ओके? तो ये आएगा आपका माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आर एक्स, मतलब ये कंपोनेंट है, मतलब ये आ जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी प्लस वी वाई, मतलब ये, मतलब ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू आर वाई, मतलब साइन ओमेगा टी, मतलब साइन ओमेगा टी कैंसल कैंसल, जीरो आ गया, करेक्ट. गुड. वेलोसिटी और व्हाट आई एम डूइंग इज यस वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर जीरो कौन से मोशन में होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ, मतलब परपेंडिकुलर आर बार एंड वी इज परपेंडिकुलर एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम. टेंजेंशियल राइट, बट विच टाइप ऑफ मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कहाँ होता है? इनसाइड, मतलब मतलब टुवर्ड्स सेंटर. कौन सा ऑप्शन है? वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर बार
एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, क्योंकि आप तो बोलते ही वैसा हो. यू स्टार्ट ऑफ विथ सेइंग दैट वी हैव अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग एंड हेंस वेलोसिटी इज चेंजिंग. एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टेंजेंशियली. इन दिस केस दिस इज आर बार, दिस इज वी बार. इन दिस केस ओनली एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स सेंटर एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल टूवर्ड्स सेंटर. करेक्ट. तो दिस क्वेश्चन वॉज ओरल. वाई? बिकॉज आई गिव यू वन मोर ट्रिक नाउ. एम आई सपोज टू डू इवन दिस? नो, हमको ये करने की भी जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? जब एक वेक्टर, वन वेक्टर, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इंटरचेंज हो गए. देखो ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, फिलहाल ओमेगा को छोड़ दो टेम्पररी. ओके, दोनों में ओमेगा ओमेगा है. ओके, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले टर्म में भी ओमेगा होगा, दूसरे में भी, बिकॉज वी व्हाट वी विल बी डूइंग इज दिस ना. तो एनीवेज v और r, तो जब मैं vx rx और vy ry करने वाला था तो डेफिनेटली यहां पे ओमेगा आएगा और यहां पे भी एक ओमेगा आएगा ही आएगा, क्योंकि v में दोनों टर्म्स में ओमेगा है. गुड. नाउ जब इसका x कंपोनेंट v के y कंपोनेंट में अपीयर हुआ और इसका y कंपोनेंट v के x कंपोनेंट में अपीयर हुआ और दोनों में से एक ही नेगेटिव है, एक ही नेगेटिव है, राइट? वो क्यों एक नेगेटिव आएगा? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस आता है, कॉस का डेरिवेटिव, तो एक ही नेगेटिव होगा, जीरो. कुछ नहीं करना इधर हमको. यू विल डू दिस विद प्रैक्टिस. खत्म. दिस वाज जस्ट ऑब्जर्वेशन. वी बार डॉट आर बार, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, ओनली पॉसिबल इन यूसीएम, एंड इन यूसीएम एक्सेलरेशन इज एक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन. तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वेरी फास्ट. ओके, तो यू शुड राइट डाउन व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस क्वेश्चन इन योर. सो अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स. मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार is equal to magnitude of difference of two vectors. The angle between these two vectors is, what was a bar plus b bar magnitude wise? Root of a square plus b square plus 2ab cos of theta. And this was under root of a square plus b square minus 2ab cos theta. If you square on both sides, so you will just get rid of squares, square roots basically. तो आपको मिलेगा a square plus b square plus 2ab cos theta equal to a square plus b square minus 2ab cos theta. तो ये और ये गया, क्योंकि right hand side, left hand side, same sign गया. तो ये आ गया आपका 4ab cos theta equal to 0, मतलब cos theta is equal to 0. When is the value of cos theta 0? Option number B. Right? Good. So if you want to make quick notes, you can. Can you think of any other shortcuts? Koi shortcut ho sakta hai is question ka? Can you think of any other shortcut? Think in terms of direction. Like dot product will go lengthy. I am saying ये गिवन कंडीशन है.
दो वेक्टर का एडिशन उसका मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन उसका मैग्नीट्यूड इक्वल कब हो सकता है? पैरेलल चाहिए, जीरो एंगल। मेथड नंबर थ्री, ये मेथड वन, मेथड टू और मेथड थ्री। मेथड थ्री ओरल है, क्यों? क्योंकि ये आपको भी पता होना चाहिए, ए बार प्लस बी बार का मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए बी कॉस थीटा, राइट हैंड साइड पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, फोर ए बी कॉस थीटा जीरो, कॉस थीटा जीरो, 90 डिग्री। ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेक्टर ए बार इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप एंड बी बार इज कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई टू आई कैप एंड साइन ऑफ ओमेगा टी बाई टू जे कैप आर फंक्शन ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल। वट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल? परपेंडिकुलर। मतलब उन्होंने बोल ही दिया है कि ए बार डॉट बी बार इज जीरो, करेक्ट? तो ए बार डॉट बी बार मतलब ax bx plus ay by, मतलब cos of omega t into cos of omega t by 2, है ना? ये ax है, ये ay है, this is bx, this is by, तो ax bx plus ay by, है ना? राइट, तो ay by इक्वल टू जीरो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, व्हाट इज दिस? कॉस ऑफ ए माइनस बी, माइनस क्योंकि बीच में प्लस है ना, इसलिए ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाय टू इक्वल टू जीरो, वन में से हाफ गया, हाफ कॉस ऑफ ओमेगा टी बाय टू, कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है? अभी देखा हमने पाई बाय टू पे, मतलब ओमेगा टी बाय टू इक्वल टू पाई बाय टू, मतलब ये और ये कैंसल, मतलब टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शिप ए, हाँ दिस विल बी डन इन मोशन इन वन डी, क्योंकि हमको वी आर गोइंग टू नीड फ्यू मोर थिंग्स टू डू दैट। फोर्थ, द मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स? नहीं, फॉरगेट अबाउट पॉइंट, आई जस्ट आई एम आस्किंग यू व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स। जब अंदर आए तो दरवाजे को पुश किया था, मतलब फोर्स लगाया था, तो दरवाजा क्या हुआ? रोटेट हुआ। हाँ, तो रोटेशनल कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, दैट इज टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स इज टॉर्क, मोमेंट ऑफ कपल इज आल्सो टॉर्क। डिफरेंस क्या है? दरवाजे में ये जो बिजागरे होते हैं, वी हैव टू अप्लाई ओनली सिंगल फोर्स टू रोटेट। अगर मेरे पास एक रॉड है, तो मुझे यहाँ पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एट टू डिफरेंट पॉइंट्स अप्लाई करना पड़ता है टू रोटेट दिस रॉड। तो यहाँ पे क्या है? दो फोर्स है, तो इनको क्या बोलेंगे दोनों फोर्सेस को? कपल। ये कपल क्या कर रहा है? बॉडी को रोटेट कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ कपल। ये सिंगल फोर्स ने क्या किया? बॉडी को रोटेट किया, इसको क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट मतलब द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, दैट्स इट। तो इफ यू रिमेंबर, टॉर्क इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अगर एक्सिस है, ये बॉडी था, हमने फोर्स यहां पे अप्लाई किया, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, मतलब बेसिकली आर बार, तो आर बार क्रॉस एफ बार इज टॉर्क। गुड, द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ बार दिया है एट दिस पॉइंट अबाउट दिस पॉइंट। अभी अबाउट का मतलब समझ लो, क्वेश्चन में घुमा घुमा के क्या बोला है आपको, ये जो एक्सिस है ना, एक्सिस इज नॉट एट द ओरिजिन,
नॉर्मली क्या होता है, हमको बोल देते हैं कि हमने इस पॉइंट पी पे फोर्स लगाया और इस पी पॉइंट का पोजीशन है 2, 0, -3। फिर हम लोग पोजिशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, हम ओरिजिन से उस पॉइंट तक वेक्टर लेते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं आर बार इज इक्वल टू 2i कैप + 0j कैप - 3k कैप। अब ऐसे बनाते हो ना पोजिशन वेक्टर, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, डोंट राइट, आई गिव यू टाइम, डोंट वरी। ओके, तो हाउ डू यू मेक पोजिशन वेक्टर, आर बार इक्वल टू xi कैप y j कैप एंड z कैप। मतलब आप x y और z से आप पोजिशन वेक्टर बनाते हो, प्रोवाइडेड कंडीशन, क्या कंडीशन, यू आर मेजरिंग फ्रॉम एक्सिस रोटेशन एंड एक्सिस रोटेशन इज एट ओरिजिन। यहाँ पे क्या बोला है, अबाउट 2 - 2 - 2, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट एट द ओरिजिन। तो अभी एक्सिस रोटेशन ओरिजिन पे नहीं है। ओके ओके, तो बिफोर आई टेल यू हाउ टू डू दिस, आई वॉन्ट टू नो, मेरे पास एक पॉइंट है, आई हैव अ पॉइंट ओवर हियर ए गिवन बाय x1 y1 z1, द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस इज r1। आई हैव अनदर पॉइंट बी गिवन बाय x2 y2 z2, द पोजिशन वेक्टर इज r2। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, हाउ डू यू राइट डाउन, x2 minus, वेरी गुड, बस वही एक इंपॉर्टेंट चीज थी। मतलब अगर आपको ये पता है तो व्हाट यू कैन से फ्रॉम दिस क्वेश्चन, x1 y1 z1 इज नथिंग बट 2, 0, -3, राइट बोल रहा हूं, राइट बोल रहा हूं मैं, करेक्ट है। ओरिजिन कहां है, ओरिजिन, ओरिजिन कहां है, ओरिजिन कहां है, ओरिजिन कहां पे है, हाँ एट, फोर्स इज अप्लाइड एट, अबाउट, अबाउट मतलब क्या, एक्सिस अराउंड, तो ओरिजिन कहां पे है, एग्जैक्टली, तो ये है x2 y2 z2, x1 y1 z1 इज नथिंग बट 2 - 2 एंड -2। करेक्ट, हाउ डू यू फाइंड आउट आर बार देन, सिंपल, x2 - x1 i कैप + y2 - y1 j कैप + z2 - z1 k कैप। तो करो 2 - 2 0, 0 माइनस ऑफ माइनस 2 j कैप है ना, x2 - y2 - z2 -(-3, -2) -k कैप, मिल गया आर बार, गुड। टॉर्क इज, अभी आपको डिटरमिनेंट से निकालना है, डिटरमिनेंट से फाइंड करो, आर बार क्रॉस एफ बार 0, 2, -1 एंड एफ बार क्या दिया है आपको 4, 5, -6, 4, 5, -6। इफ यू वांट टू फाइंड इट यूजिंग डिटरमिनेंट दैट इज फाइन, या तो जो मेथड मैंने बताया था उसे करो, करो एंड टेल मी इफ यू आर गेटिंग करेक्ट आंसर। इन दिस क्वेश्चन आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और समझना है, फोर्स का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फोर्स सबको दिया है, फोर्स कहां अप्लाई कर रहे हो, 2, 0, -3, मतलब अगर आपको एग्जैक्टली याद है कि रोटेशनल मोशन जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पहले ही बोल दिया था कि जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई होता है, राइट, दैट कोऑर्डिनेट देयर आर गिवन बाय 2, 0, -3, मतलब ये x2 y2 और z2 है। क्यों हम लोग इसको हमेशा xyz बोलते हैं, बिकॉज दिस पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से आप डिस्टेंस मेजर करते हो या फिर पोजिशन वेक्टर मेजर करते हो वो हमेशा ओरिजिन पे होता है, पर यहाँ पे वो ओरिजिन पे नहीं है, मतलब हमको ये जो पॉइंट दिया है ओरिजिन दैट इज 2 - 2 - 2, मतलब x1
y1, z1, okay, right? This is what we have. And if you want to find this r bar, it is always given by x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap, and z2 minus z1 k cap. So aapko r bar mil jayega, and torque is r bar cross f bar, right? So ye aapko pata hona chahiye. Next question. Okay, ye bhi jayega relative velocity mein. It's not difficult, but because I have to teach you what is relative velocity, to hum log wo baad mein karne wale hain. Okay, so do this question. Vectors, मैंने आपको बताया था, if you remember, हमेशा याद रखना, अगर आपको याद होगा कि एक वेक्टर हमने लिया था, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, समझ लेना. Okay, and I always told you that direction लेते वक्त आप क्या करोगे, tan theta, y component upon x component. अगर ये याद था आपको तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि theta is equal to tan inverse of y upon x. आपको y value दी है, how much is y value, 3. How much is x value, root 3. तो tan inverse of root 3 कब होता है ये value, 60. Oh yes, sorry. So particle starting from origin moves in a straight line, xy plane, doesn't matter, ये values they are important. So 60 degrees. मैं डायग्राम ड्रॉ कर ही दिया मैंने ये. सो दिस इज पॉइंट ए वेयर द पार्टिकल विल बी एट सम टाइम टी. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. ये डायग्राम ड्रॉ हो ही गया. All right, so then we will move to next question. Okay, Sakka? Good. Next question. A car travels again. This should be included in motion in 1D because I have relative velocity. Vectors se bhi ho sakta hai. Yes, it can be solved via vectors also. So we'll do it. A car travels 6 km towards north at an angle of 45. A car travels 6 km towards north. By the way, do you know directions? X-axis ko east. So negative x west ho gaya, south ho gaya, aur ye north ho gaya. This dimensions are, this directions are on a plane. कंफ्यूजन होता है. क्वेश्चन ऐसा आया था एक बार, अ मैन गोज 10 मीटर ईस्ट, देन 6 मीटर नॉर्थ, देन 5 मीटर अप. अभी आप कहां गए थे यार, कहां और ऊपर? हाँ, यस. तो ये 3 डायमेंशन है. तो यू ऑल शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस डायरेक्शंस आर ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ अर्थ. This is east, here is west. East से 90 degree right. East से 90 degree right क्या है? South. South. Right? और यहाँ पे आपका north. Anyways, but for this question, हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की. A car travels 6 km towards north at an angle of 45 degree to the east. इसका मतलब the car is going northeast. Okay? 6 किलोमीटर 45. ओके, तो सबसे पहले तो मैं यहीं पे कंपोनेंट कर लेता हूं. तो ये आ जाएगा, दिस कंपोनेंट विल बी 6 cos 45, मतलब 6/√2, और ये कंपोनेंट भी आएगा 6 sin 45, अगेन 6/√2. तो आई कैन राइट डाउन फर्स्ट s1 वेक्टर एज 6/√2 I cap plus 6/√2 J cap. Right. Then travels distance of 4 km towards north at an angle of 135 to the east.
मतलब यहाँ पे आपने उस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, एक बार वापस से आपने डायरेक्शंस स्पेसिफाई करने हैं, ईस्ट नॉर्थ 135 डिग्री टू द ईस्ट, ईस्ट से 135 डिग्री, ईस्ट से ये आ गया आपका 90, 90 प्लस 45 इज 135, हाँ मतलब ये यहाँ जा रहा है, सो इट इज गोइंग हियर, लेट अस से फोर कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, राइट, वी ऑलरेडी नो दिस विल बी 45, तो S2 बार विल बी इक्वल टू क्या है कंपोनेंट, 4 cos of 45 नेगेटिव आई कैप, क्यों नेगेटिव आई कैप, डायरेक्शन देखो डायरेक्शन, करेक्ट, गुड, यहां पे जो आएगा ये आएगा आपका 4 cos 45 पॉजिटिव जे कैप, और ये जो कंपोनेंट था ये था 4 cos 45 आई कैप, तो प्लस 4 cos 45 j cap, तो basically minus 4 by root 2 i plus 4 by root 2 j. हम लोग this particular car पहले कहाँ गया, 6 किलोमीटर, ये वेक्टर का पॉइंट किधर है, which quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कंपोनेंट y कंपोनेंट पॉजिटिव हो गए, इस पॉइंट से वो आगे कहां गया, 135 विद ईस्ट, x कंपोनेंट क्या हो गया, क्योंकि ये वेक्टर कहां पॉइंट कर रहा है, ये वेक्टर कहां पॉइंट कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, x कंपोनेंट इज नेगेटिव, y कंपोनेंट इज स्टिल पॉजिटिव, कंपोनेंट लिखना है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव कंपोनेंट्स, राइट, इसलिए एक्स नेगेटिव आएगा यहाँ पे, क्लियर, पक्का, नहीं समझे तो वापस पूछ लो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, नो इश्यूज, राइट, फाइनली हाउ फार इज द पॉइंट From the starting point, मतलब starting origin से ये जो point B है, how far it is, right? Okay. What angle does the straight line joining initial and final point makes? मतलब displacement पूछा है. Good. So how do you solve this? दो. आई तक बस तेरा मैं. राइट वो तो ठीक है वो कर सकते हैं अगर थ्री मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस मेथड वन आपको पता होना चाहिए ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट इज अंडर रूट ऑफ एस एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल एस वाई स्क्वायर पता है ना किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस तो हाउ डू यू फाइंड आउट एक्स कंपोनेंट इज जस्ट एडिंग दीज टू तो ओवरऑल एस एक्स बार बोल दो इस एस वन एक्स पहला जो डिस्प्लेसमेंट था एट 45 डिग्री आई कैप प्लस एस टू एक्स आई कैप तो 6 रूट टू माइनस तो 6 रूट टू आई कैप माइनस 4 root 2 i cap right 6 minus 2 2 upon root 2 matlab root 2 matlab root 2 i cap sx bar aa gaya sy bar will be similar 6 root 2 plus hai na plus hoga sirf to 10 root 2 j cap what is 10 5 into 2 5 into root 2 upon root 2 matlab 5 root 2 so
तो 5√2। सो एस क्या आएगा आपका फाइनली, एस एक्स का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर, टू फाइव रूट टू का स्क्वायर कितना आता है, फाइव रूट टू का स्क्वायर कितना आता है 50, राइट, करेक्ट। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 52 किलोमीटर। तो ऑप्शन आउट ऑफ क्वेश्चन सी और डी में से एक। हाउ डू यू फाइंड आउट डायरेक्शन y x, तो टू फाइंड आउट डायरेक्शन यू विल से थीटा और अल्फा जो भी यूज करोगे, टैन इनवर्स ऑफ एस वाई बाय एस एक्स, एंड एस वाई यू ऑलरेडी हैव इज 5√2 अपॉन एस एक्स इज रूट टू, सो दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, मेथड वन, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर मेथड? पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे टेल मी सर, वो ट्रायंगल है सर 45 45 90, तो अगर एक नेक्स्ट अ वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j माइनस 4i प्लस अल्फा k, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, इजी है, मैं अगर इसको a बार बोलता हूं पहले वेक्टर को और दूसरे वेक्टर को अगर मैं बी बार बोलता हूं, तो 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फा k कैप, तो हमको पता है परपेंडिकुलर है तो a बार डॉट b बार इक्वल टू 0, हमको पता है ax bx, ट्रिक लिखो बाद में, ट्रिक क्या करना, दो वेक्टर अगर दिए हो और परपेंडिकुलर बताया हो, एक के नीचे दूसरा लिख देना, why yes multiplication becomes simple, 2 × 4 = 8, 3 × 4 with negative sign minus, 8 × α + 8α, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 8α = ये minus 4 है तो plus half plus हो जाएगा क्योंकि right side में जाएगा, तो आपकी value आ गई minus 8, क्योंकि पहले second इसमें j क्या था फिर बाद में आ गया, okay good, तो ये आपका आ जाएगा overall if I Like this. तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है where you can make mistakes. You are already paying full attention. तो इसको मैं ऐसा लिखना चाहिए, तो now it is a bar dot b bar equal to 0. So minus 8 plus 12 plus 8 alpha equal to 0. तो ये आ जाएगा आपका 8 अल्फा इक्वल टू माइनस 4, तो अल्फा इक्वल टू माइनस हाफ। तो अगर आपने वेक्टर्स को कंपोनेंट्स को प्रॉपरली नहीं लिखा तो यू विल एंड अप गेटिंग प्लस हाफ, बट आंसर इज माइनस हाफ, सिंपल। माइनस नहीं समझा, माइनस फोर पहले लिखा है क्या प्लस फोर, और इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है आपको, क्वेश्चन सिंपल है, दे वांट यू टू मेक मिस्टेक, तो दैट इज व्हाई पहले मैंने वैसा करके लिखा, बिकॉज थिंग इज वी डोंट पे अटेंशन, हमको पता है परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है, रिमेंबर वन क्वेश्चन फ्यू सेकेंड्स सोर्स ऑफ एयर, तो ये होता है, यू नीड टू पे अटेंशन ऑन दिस एंड यू डोंट हैव टू मेक सच मिस्टेक्स, ओके। Then, if mod of a bar cross b bar is equal to mod of a bar dot b bar, what is the angle between a bar and b bar? Mod of a bar cross b bar, kya tha by definition? A b sin theta. Ye kya tha? A b cos theta. Sin by cos is? कॉस शिफ्ट करेगा क्या बचा, कब होती है वैल्यू 45 डिग्री पे खत्म, डन।